हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेव सेलर सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। हम उस सेक्शन की वीडियो लेके आए हैं जिसकी कैटेगरी या कह सकते हैं जिसकी डिमांड बहुत है, जिसके ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, कॉस्मेटिक्स कैटेगरी। पहले तो सिर्फ कैटेगरी एक वुमेन सेक्शन की तरफ ही इनका झुकाव ज़्यादा था, बट आज के टाइम पे जितना वुमेन सेक्शन पे इनका झुकाव है उतना ही मेन सेक्शन पे है। ग्रूमिंग के लिए आज सभी लोग कॉन्शियस हैं और ये सब लोग ये एफर्ट्स करते हैं कि वो बेस्ट दिखना चाहते हैं। सो कॉस्मेटिक्स के सेलर्स भी उतने ही ज़्यादा हैं जितने कॉस्मेटिक्स के बायर्स हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के टाइम पे जो ऑफलाइन सेलर्स जो कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में डील कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन अपने आप को लाना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा कारगर होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आइए इस वीडियो तो देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर किसी पॉइंट को हम छोड़ देंगे, उम्मीद करता हूं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस में हम उसे भी अपने वीडियोस में मेंशन कर सकें। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। यहां पे हम एक और ब्रेव सेलर सीरीज या एपिसोड आपके लिए लेकर आए। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले सारे एपिसोड्स पसंद आए होंगे और आपने उनको काफ़ी सारा लाइक शेयर और जरूर किया होगा, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया होगा। और यहाँ पे हम जयदीप सर के साथ ज्वाइन किए हुए हैं जिनका स्टोर नेम है रंगोली आर्ट्स। ये आज हमसे बातें करेंगे कि इनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा है, जर्नी कैसा है, इनको क्या प्रॉब्लम्स आई, ये कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, ये सारी चीजें पर हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनका इनपुट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो जयदीप सर, सबसे पहले थैंक यू बिग फैक्शन से जुड़ने के लिए और अपना समय निकाल के हमें इंटरव्यू देने के लिए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। तो सर, मेरा इस पे सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सर, आपने ऑनलाइन जर्नी कब शुरू किया सर, और आइडिया कैसा लगा कि ऑनलाइन भी कुछ सेलिंग होता है, ऑनलाइन भी कुछ बिजनेस होता है, चलो ये बिजनेस करते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी कैसे लगा जो आपने डिसीजन लिया? मैंने 3 साल पहले चालू किया था। ओके। तो मेरे गांव में एक है ना दोस्त, फ्रेंड है, वो करता था पहले। अच्छा सर, 2020 में आपने शुरू किया? हाँ। ओके। तो जो आपके फ्रेंड बिजनेस करते थे सर, उनके बिजनेस अच्छा चल रहा था कि उन्होंने आपको बताया? एक होता है कि दोस्त बताए तो आइडिया लगा, एक होता है कि दोस्त का बिजनेस देख के आइडिया लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है, कैसे आइडिया लगा सर? नहीं, उसका अच्छा चल रहा था इसलिए मैंने चालू किया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर तो अगला सवाल है, आगे जाने से पहले लोगों को हम बताएंगे किस कैटेगरी के आप सेलर हैं ताकि उनको और कनेक्ट हो सके, जो आपकी कैटेगरी में सेल करते हैं वो और जल्दी कनेक्ट हो। सर कैटेगरी कौन सी है आपकी? क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग कैटेगरी, अपैरल्स कैटेगरी है ना सर? ओके। सर इस पे मैं सवाल पूछूंगा, क्लोथिंग कैटेगरी ही क्यों और इस पे आपने कैसा अपना जीरो इन किया? मुझे पता है कि सूरत पे साड़ी सेलर्स बहुत है, मुझे पता है कि सूरत पे ये सब हब बहुत है, बट मेरे को सवाल नहीं पूछना चाहिए, बट व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि सर ये ही क्यों, क्लोथिंग ही क्यों और इस पे डिसीजन कैसे बनाया सर आपने? क्लोथिंग में मेरा फ्रेंड एक था जिसका एक्सपीरियंस अच्छा था, वो मैन्युफैक्चरर ही था इसलिए। अच्छा अच्छा, तो क्लोथिंग, तो जस्ट इस कैटेगरी में सभी को पता है सर, प्रोडक्ट्स तो हैं, उसकी इन्वेंटरी भी रखनी पड़ती है और प्रोडक्ट्स की कैटेगरी मतलब प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ इन्वेंटरी की कमी नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में हो सकती है। आप कैसे सर अपना इन्वेंटरी डिसाइड करते हैं सर कि ये बेचूंगा ऑनलाइन, ये नहीं बेचूंगा ऑनलाइन, आप कैसे सोचते हैं सर? नहीं, मार्केट में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चल रही है, जिसकी मांग होती है, वो हम बनाते हैं वैसे ही। अच्छा। तो सर आप बनाते हैं, मतलब आप मैन्युफैक्चरर हैं सर? बनवाते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो आपको जो बोले मार्केट में जो चलता है वो बनवा रहे हैं। तो सर सबसे लोगों का ये भी सवाल होता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या मेरे पास उतना फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग हम नहीं है, ये सारी चीज़ें पे वो बात करते हैं, तो वो सारे सेलर्स लोग ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं डिसाइड कर पाते हैं। तो क्या आपके साथ यही था कि जितने भी क्वांटिटी आप या फिर प्रोडक्ट्स डिफाइन कर रहे हैं, आप 1 से 2 क्वांटिटी ही पहले बना के बिजनेस स्टार्ट किए सर, कि वैसा आपके दिमाग में नहीं था? नहीं सर, पहले तो 10-15 क्वांटिटी बनाते हैं, उसके बाद चले तो ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल, ऑर्डर और ऑर्डर लगा के और बल्क में फिर ज्यादा है तो ज्यादा बनाना है इसलिए। बिल्कुल ठीक है। सर साड़ी है ये या फिर कोई क्लोथिंग में है, ये एक लोग पहनते हैं, इसको यूज करते हैं, सबसे पहले आकर ट्राई करते हैं कि फैब्रिक क्या है, सब कुछ ऐसा है, तो उससे पहले उनको प्रोडक्ट किस कंडीशन मिलता है, मतलब पैकेजिंग पे सर आपने क्या ध्यान दिया कि कस्टमर को पैकेजिंग अच्छी मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट को मुड़ के खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं हो सकता, फट नहीं सकता, कहीं में छेद हो जाए तो कुछ लिक्विड चला गया तो प्रोडक्ट बर्बाद हो सकता है, उस पे सर आपने कैसे ध्यान दिया, पैकेजिंग कैसे होता है सर? उस पे सर एक तो अमेज़न का ही बैग होता है,
और दूसरा ट्रांसपेरेंट बैग होता है, चैन वाली आती है ना वो, जी सर, जी सर, जी उस सर, पर डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कोई रहती। दिक्कत नहीं होती। ठीक है सर, तो इस पे अब अगला सवाल, प्रोडक्ट जाता है तो आप वापस भी आता है सर, कि ठीक है कि रिटर्न्स भी हैं सर, तो रिटर्न्स कैसा है सर, कि कस्टमर यूज करके लौटा देते हैं, या कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट गंदा करके भेज देते हैं, या फिर प्रोडक्ट सही कंडीशन मिलता है, आपका कैसा सर एक्सपीरियंस है रिटर्न्स पे? नहीं वो तो सब रह गए सर इसमें, क्योंकि तो कई क्लोथिंग का है वो तो एक बार पहन के भी ऐसा भी आता है हमारे पास रिटर्न में, जी जी और जी कुरियर वाले भी चेंज कर देते हैं तो वो भी आता है। ये प्रॉब्लम आपके, तो सर ये तो प्रॉब्लम तो मतलब लॉस ही हो गया, बिकॉज प्रोडक्ट तो आपके पास वापस आ जा रहा है, जिसने पे किया होगा अमेजोन को उसको फुल पैसे मिल जा रहे हैं, अमेजोन ने कुछ पैसा तो लगाया नहीं है, तो इसमें आपका लगता है या कस्टमर का लगता है, तो कस्टमर को तो फुल रिफंड चला गया, वो एक साइड हो गया, तो बचे सिर्फ आप सर, तो ये नहीं सारे में आपको लॉसेस कैसे होता है सर, मतलब लॉसेस होते हैं या फिर कैसे चल रहा है? उस पे सर हम कई प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्लाइम कर देते हैं, वो पास हो जाता है, कई में नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को दो में तरीके में बताना चाहूंगा कि ये क्या बोले, कुरियर रिटर्न्स क्या होता है, मैं दो होता है रिटर्न्स, दो तरीके के होते हैं व्यूअर्स, एक होता है कस्टमर रिटर्न्स होता है, एक होता है कुरियर रिटर्न्स। जब हम कस्टमर रिटर्न की हम बात करते हैं, तो कस्टमर रिटर्न्स में अमेजोन आपसे कमीशन भी डिडक्ट करता है, फिर शिपिंग कॉस्ट भी डिडक्ट करता है, और जब हम कुरियर रिटर्न्स पे बात करते हैं तो इस पे कोई डिडक्शन नहीं होता, प्रोडक्ट एज इट इज वापस आ सकता है। और जो सर की बात हुई सेफ्टी क्लेम, सेलर अश्योरेंस ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ये सेफ्टी क्लेम होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट डैमेज पहुंच गया, यूज हो गया, या फिर वैसा प्रोडक्ट रिटर्न में आया जो कि वापस आप किसी को नहीं बेच सकते, रीपैक करके वेस्ट हो गया आपके लिए, तो उसके लिए आप सेफ्टी क्लेम फाइल कीजिए, ताकि आपके पास रीइंबर्समेंट में एटलीस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो अमेजोन वापस कर दे, ताकि लॉसेस जो है वो मिनिमम आपके पास रहे, राइट सर? तो व्यूअर्स क्या ये चीज आपको मैं ध्यान देना चाहूंगा कि आपको अपने रिटर्न्स पे अच्छा ध्यान देना है, रिटर्न्स ज्यादा रहेंगे तो लॉसेस आप स्टार्ट कर देंगे। तो सर अगला सवाल मेरा आप पे, अभी करंटली सर किस प्लेटफॉर्म पे हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अमेजोन को छोड़ एक के भी हैं? अमेजोन है और दूसरी हमारी खुद की एक वेबसाइट है इनफैब जोन नाम की, इन इनफैब जोन, इन फैब्जोन, ओके सर समझ गया, ठीक है। तो सेलिंग तो करते हो रहे हैं। अमेजोन का नेक्स्ट कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट, उसमें सर क्यों नहीं बिजनेस कर रहे हैं? मीशो एक अपैरल में अच्छा रीसेलर आता है, उसमें क्यों नहीं कर रहे नहीं हैं, ऐसा सर क्या है? हम लोग सेल करते हैं वो सब प्रोडक्ट की हाई प्राइस है, और मीशो में वो सब नहीं चलते इतनी ज्यादा, बिल्कुल, बिकॉज मीशो में तो प्रोडक्ट कस्टमर रेंज 999 उससे नीचे ही रहता है, तो लोग नहीं फ्लिपकार्ट सेल सर, करते। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट में भी सर वो कुरियर वाले ना वो सब प्रॉब्लम ही है, रिटर्न प्रोडक्ट्स, में सब प्रोडक्ट चेंज हो जाता है ना, हमने ट्राई किया था लेकिन अमेजोन जितना अच्छा नहीं है उसमें। अच्छा नहीं, ओके, मतलब आपने सिर्फ अमेजोन पे भी हैं बट आपने ट्राई तो फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी किया, सर दोनों पे इसके किया है। अलावा सर कोई और पोर्टल्स पे आपने ट्राई किया है सर बिजनेस? नहीं अभी ग्रोरो है ना वो अमेजोन का ही ग्लू, प्लेटफॉर्म है, हाँ सर, उसमें जो हम लोग अमेजोन ने को खरीदा है, ग्रो ग्लो जाएंगे रोड हो फिर। गया, लाइम रोड हो गया सर, तो इस तरह के अपैरल्स, और सबसे बड़ा मिंत्रा है सर, तो मिंत्रा में सर क्यों नहीं हुआ, मिंत्रा में ट्राई मिंत्रा हुआ? में भी सर आप ट्राई करने वाले हैं। अच्छा, एक इनपुट मैं बस आपको दूंगा, बिकॉज मिंत्रा वाले से भी बात होती है कि अभी क्यों नहीं ऑन बोर्ड हो रहा है ऐसा, तो उन्होंने बोला कि देखिए अपैरल्स तो अभी सभी कोई बना के आ रहे हैं, बट जो अपैरल्स अभी लेके आ रहे, जो कुछ यूनिक लेके आ रहे हैं अपने अपैरल्स में, उनको हम लोग तुरंत ऑन बोर्ड कर ले रहे हैं, बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आज नया सेलर उठ के आ रहा है कि मैं भी व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चरर करता हूँ और मेरा व्हाइट शर्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसको हम नहीं ऑन बोर्ड कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चरर मेरे पास बहुत है। तो ये मिंत्रा लोग कहते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट के पास कुछ अच्छा यूनिक है, आप हमको बताइए यूनिकनेस, हमको अच्छा लगेगा, हम तुरंत ऑन बोर्ड करेंगे, इसलिए सोचा आपको ये चीज जरूर बताऊं, बिकॉज क्लॉथिंग में है, मिंत्रा में छूट जाए ये हाँ हमारा तो मेन फोकस ही वही होना चाहिए। वेबसाइट के बारे में आप बात कर रहे थे, वेबसाइट का आइडिया कैसा लगा सर आपको, और वेबसाइट से बिजनेस कैसा चलता है? वेबसाइट से अच्छा चल रहा है लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा ना, अभी अभी बनाई हुई है तो बनाई है, तो उसमें एसईओ का काम बाकी बढ़ाते है, हैं। कस्टमर उतना विजिट नहीं कर रहे होंगे इनिशियली, तो बहुत सारे सेलर्स जो होते हैं आप ही के सर डायरेक्शन में चलते हैं, अपना वेबसाइट डेफिनेटली बनाते हैं, उनके पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहती है कि सब कुछ ठीक है, बट अगर कस्टमर के पास सीओडी, मेरे पास अगर ऑप्शन आता है पेमेंट का, तो मैं कैसे करूंगा, कुरियर वाले तो कोई भी सीओडी का ऑप्शन लेके नहीं चलते, वो प्री पेमेंट्स वाले ही ऑर्डर्स होते हैं कि बस उस कुरियर वाले को कस्टमर को डिलीवर कर देना है, बट अगर सीओडी ऑर्डर कोई प्लेस करना चाहे तो इस तरह के लॉजिस्टिक्स इश्यूज कैसे सॉल्व करें, आपने इस तरह का सॉल्व कुछ किया है सर अपने लॉजिस्टिक्स के लिए?
नहीं सर, मैंने वो वेबसाइट बनाई थी ना, उन्होंने ही सब मुझे कर दिया है, डीओडी ऑप्शन और सब, वो कुरियर वाले के साथ डील डील करके वो सब ओके कर। हाँ ठीक है सर। अभी जैसे कि सर आपने अलग अलग पोर्टल्स पे ट्राई किया, तो आपका क्या, आप अपना एक्सपीरियंस सर हमें पूरा सारे पोर्टल से कंपेयर करके बताइए कि अमेजोन बाकी सब पोर्टल से क्यों अच्छा है, ताकि व्यूअर्स को भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि उन्हें ज्वाइन करना है तो भाई पहले अमेजोन से शुरू करें, फिर अलग अलग पोर्टल्स में आप थोड़ा टाइम देके स्टार्ट कर लें, एक्सपीरियंस ले लें, बट कौन से पोर्टल में क्यों सबसे पहले स्टार्ट करें उसका मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर। हमने तो सर सबसे पहले अमेजोन पे ट्राई किया था जी और उसमें अच्छा आ गया है। फिर मीशो में ट्राई किया, उसमें लॉसेस वो सब हुआ, फ्लिपकार्ट में भी जी हुआ, तो हमारे जी लिए तो बेस्ट अमेजोन है। बेस्ट अमेज़न ही करेक्ट। एक आखिरी सवाल है सर, मतलब आप अपना बिजनेस अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, फ्यूचर में सर आप कैसे देखते हैं, आपका जो करियर है फ्यूचर है उसमें ऑनलाइन बिजनेस का आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये आप क्या सोच के चल रहे हैं सर? मतलब सर मतलब सर जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है आप और भी 10 तरह का बिजनेस करें, आपके पास उतनी बरकत हो सर, तो ऑनलाइन भी एक उसका पार्ट होगा, अभी तो सर ऑनलाइन भी हो सकता है, मैं बोला कि 10 और बिजनेसेस होंगे, तो आप क्या इसमें समझते हैं सर ऑनलाइन बिजनेस आपका कितना करियर में कितना हेल्प करेगा, आप क्या सोचते हैं सर? मैं सर अच्छा हुआ तो हम खुद मैन्युफैक्चर बन जाएंगे, वेबसाइट बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चली तो उसमें और एक तो वेबसाइट बना देंगे, वैसे ही सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर आगे। बहुत सही थॉट है आई गेस कि क्लियर है यहाँ पे। आप एक चीज में तो बताना चाहेंगे सर कि बस ऑनलाइन में क्लोथिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्या अगर कस्टमर्स को पहचानना है कि वो कैसे चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके मान लीजिए कि आपकी साड़ी कोई ऑनलाइन देख रहा है तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या उनको देखना चाहिए मेन, कि उनको भी देख के समझ में आए कि हाँ यहाँ पे मेन चीज लिखा हुआ था, कैसे लोग सेलेक्ट करेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे तो फिर व्यूअर्स को भी थोड़ा सा आइडिया लगे, या अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो ऑनलाइन में कैसे एग्जैक्टली वैसे ही परचेज करें और उनको जब मिले तो रिटर्न्स का इशू नहीं हो, उनको वही मिले। पहले जिस कस्टमरों ने खरीदी की हो जो उसमें रेटिंग दिया होगा वो सब देखना जी करेक्ट पड़ता है, करेक्ट अच्छी करेक्ट लगे तो करेक्ट ही रेटिंग दिया होगा उसने, जी 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 करेक्ट वैसे ही। करेक्ट। तो व्यूअर्स इनका भी वही हिसाब, इनका भी वही ओपिनियन है कि आपको प्रोडक्ट रेटिंग देख के प्रोडक्ट खरीदना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज रेटिंग से आपको क्वालिटी पता चलता है, और कोई भी सेलर में जिनसे ही बात किया उनसे ही बात की, सबने क्वालिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से बात की, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलेगा, आपके पास सेलर्स नहीं आएंगे, आपके पास सेलर्स प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आएंगे, बायर्स आपके पास प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएंगे, क्वालिटी नहीं रहेगी तो बिजनेस आपका डाउन होगा, अगर आप क्वालिटी मेंटेन किए तो बिजनेस आपका स्केल अप ही होते जाएगा, ये बस उस क्वालिटी का ही हार्डवर्क होगा जो आपको रिजल्ट देगा। तो सर सबसे पहले बिग फैक्शन से जुड़ने के लिए सर थैंक यू, और अपना समय निकालने के लिए उम्मीद करता हूँ आपसे अगली बार भी जरूर मुलाकात होगी, और हम लोग सेल्स पे बातें करेंगे इस पे, और इस इंटरव्यू को और आगे ले जाएंगे, तो बट आज के लिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपसे जरूर मिलेंगे सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये तो थे पंकज सर जिन्होंने अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, जिन्होंने बताया कि जब वो ऑनलाइन जर्नी एज अ कॉस्मेटिक सेलर ज्वाइन किए तो उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, आज के टाइम पे उनके ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुए, और वो अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमें डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया, कोई टॉपिक के लिए अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई किसी टॉपिक पर आप फिर से रिविजिट करना चाहते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा बिग फैक्शन को चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहले, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोज आपके पास सबसे पहले आए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा, बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू।